हाय डियर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई डू होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। चूँकि मैं एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लेकिन चूँकि काफ़ी डिमांड आई है कि सर आप जो है कोरिलेशन पे एक वीडियो बना दें, तो चूँकि हर फील्ड में ये टॉपिक इस्तेमाल होता है, काफ़ी फ्री हैंड टॉपिक है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि कोरिलेशन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको बना के दे दें और आपको बताएं कि ये कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो जो है बआसानी जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि व्हाट इज कोरिलेशन। डियर्स, कोरिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें यूनिवेरिएट स्टडी के मुतालिक और बाईवेरिएट स्टडी के मुतालिक। यूनिवेरिएट स्टडी या यूनिवेरिएट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप एट अ टाइम एक ही वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके अपनी स्टडी जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम यूनिवेरिएट के नाम से जानते हैं। जैसे हम अर्थमेटिक मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास किसी पार्टिकुलर एरिया का जो है वो टेम्परेचर गिवन होता है, उसकी हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। एज इट इज़ जब हम स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं, जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं, तो हमें एक वेरिएबल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती हैं। जबकि बाईवेरिएट प्रॉब्लम्स, बाईवेरिएट स्टडी वो स्टडीज़ होती हैं जब आपको एट द सेम टाइम्स टू वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके स्टडी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली या और एट द सेम टाइम, सच स्टडी इज कॉल्ड बाईवेरिएट स्टडी। ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे पास जो कोरिलेशन प्रॉब्लम है एक्चुअली ये बाईवेरिएट स्टडी है, यानी जब तक आपके पास साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम्स दो वेरिएबल्स नहीं होंगे तो आप कभी भी कोरिलेशन को जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। तो कोरिलेशन इज बाईवेरिएट स्टडी, इट्स ओके। को स्टैंड्स फॉर टू। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे को वाइफ, को एजुकेशन। जारी बात है मेल फीमेल होंगे तो को एजुकेशन होगी ना। को करिकुलम, जैसे हम कहते हैं निसाबी सरगर्मियाँ और गैर निसाबी सरगर्मियाँ। तो डियर, जब हम टू वेरिएबल्स को जो है जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम डिफरेंट फैक्टर जो है वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, हम उनके दरमियान जो है लेट्स सपोज इंडिपेंडेंसी देख सकते हैं कि हमारे दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, हम उनमें कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, हम उनमें एफिशिएंसी को देख सकते हैं। तो हर एक फैक्टर को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो है अवेलेबल है, लेकिन 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 जब आप दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को देखना चाहेंगे, इंटरडिपेंडेंस को देखना चाहेंगे, कनेक्शन को देखना चाहेंगे कि उनमें कैसा रब्त आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए फिर हम कोरिलेशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को मेजर करना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिशियन आपको गिफ्ट देते हैं कोरिलेशन। वो कहते हैं कि आप कोरिलेशन का इस्तेमाल कर लें, आप दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को चेक कर सकेंगे। तो डियर, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, आसान भाषा में, कि जब आप दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, उनमें कनेक्शन देखना चाहते हैं, तो उस रिलेशनशिप को देखने के लिए फिर हम कोरिलेशन टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसकी ज़रा एक प्रॉपर डिफिनेशन जो है, छोटी सी डिफिनेशन है, क्यूट डिफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटिटेटिव, यानी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। हम अपनी प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि दो वेरिएबल्स जो है अंडर स्टडी आ रहे होते हैं और उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा होता है। तो चलिए डियर्स, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है मौजूद होता है। लेट सपोज टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। डेफिनेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से किसी आइस फैक्ट्री में आइसक्रीम की सेल जो होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। एज एंड आई साइट, जू जू एज इंक्रीज होती है आई साइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिप्रेशन एंड शुगर लेवल, जहरी बात है अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं
आपका शुगर लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। यानी इसका मतलब है इन दोनों में कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। ऑब्टेन मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, इनमें भी रिलेशनशिप आ रहा है। चैरिटी एंड एबंडेंस, यानी जितनी आप खैरात देंगे, जितना आप सदका देंगे, अल्लाह ताला उतना जो है वो आपकी रिजक में बरकत डालेगा, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड स्पीड ऑफ कार, आपका ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर आप कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो देर इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू वेरिएबल्स। अमाउंट ऑफ बिल एंड नंबर ऑफ फोन कॉल्स, यानी जितनी नंबर ऑफ फोन कॉल ज़्यादा होंगी, डेफिनेटली आपका अमाउंट ऑफ बिल भी क्या आएगा, हैवी आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो आ रहा है। क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, वेरी इजी एग्जाम्पल, अगर आपकी जो लेक्चर डिलीवरिंग स्टाइल है अगर वो क्वालिटी वाइज है, तो डेफिनेटली जो है वो आपके सब्सक्राइबर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। वेल्थ एंड स्लीपिंग, दौलत चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो, इसके बढ़ने से जो आपकी नींद होती है वो कम हो जाती है। यानी इसको अगर आप इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली कि ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाइपिंग एरर एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक टाइपिस्ट है, शुरू शुरू में जब वो टाइपिंग करेगा तो डेफिनेटली उससे कुछ एरर्स होंगे, लेकिन जूं जूं उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, उसके टाइपिंग एरर कम होते जाएंगे। यानी बैक बाइटिंग एंड गुड डीड्स, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है कि जितनी हम गीबत ज़्यादा करेंगे, हमारे अच्छे अमाल उतने माइनस होते जाएंगे। आप इसको इंक्रीज़ करेंगे, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डियर जी, मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दी ताकि जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके माइंड में जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्यूरीज़ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो रिमूव हो जाए। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको अगर हम एक मिसाल दे देते हैं तो वो उसके अलावा दूसरी मिसाल जो है वो बना नहीं सकते, इसलिए कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। क्योंकि एक मशहूर स्टेटमेंट हम सुनते हैं कि माइंड इज़ जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स वेन यू ओपन इट। इसलिए मैं डिफरेंस जो है एग्जाम्पल्स का जो है वो आपको रेफरेंस देता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो चलिए डियर्स, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की जानिब बढ़ते हैं। कोरिलेशन के जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको हम डायरेक्ट कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन, जिसको हम इनडायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं, इनवर्स कोरिलेशन भी आप कह सकते हैं। जीरो कोरिलेशन, यानी वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, जब आपके वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो उस केस में हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए इनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी अगर आप एक वेरिएबल्स को इंक्रीज करते हो तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, या अगर आप एक वेरिएबल्स को डिक्रीज करते हो तो सेकंड वेरिएबल्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की मूवमेंट सेम है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जैसे एक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेट सपोज नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, यानी आप एक्स को अगर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या अगर आप एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप को हम फिर इनवर्स रिलेशनशिप भी कह सकते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन का भी नाम देते हैं, क्लियर है। लेट्स कम टू द जीरो कोरिलेशन, व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इंडिपेंडेंटली, नो कनेक्शन, नो रिलेशनशिप, इट मीन्स देर इज जीरो कोरिलेशन। यानी आपके पास दो वेरिएबल्स अंडर स्टडी आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स के अपने अपने रास्ते हैं, अगर आप एक वेरिएबल्स को इंक्रीज करते हो उसकी वजह से सेकंड वेरिएबल्स ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में दोनों वेरिएबल्स जो है वो आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट है और इसमें किसी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो नहीं आ रहा। डियर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।